हेलो दोस्तों, आंचल गार्डन में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं कोचिया प्लांट के ऊपर बात करूँगी फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने गार्डन में खिले हुए कुछ फूलों को आपको दिखाती हूँ। ये लैंटाना कटिंग से लगाया था मैंने, बहुत सारे प्लांट्स बना दिए थे मैंने। मैंने कुछ प्लांट्स अपने फ्रेंड्स लोग को भी दे दिए और बहुत सारे कटिंग इसके तैयार हो गए थे फ्रेंड्स, जिसको मैंने प्लास्टिक के पॉट में शिफ्ट कर दिया। और ये देखिए कितना सुंदर फूल खिल रहा है, कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। गर्मी और बरसात में ये बहुत भर भर के फ्लावरिंग करता है और गुच्छों में फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। और कई रंगों में ये आता है, मेरे पास चार कलर के हैं। और ये देखिए ये पर्सलेन जिसकी कटिंग मैंने लगाई थी, मैंने आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर किया था इसका। और पाउडर पफ में फिर से ब्लूमिंग शुरू हो रही है, देखिए कितने सारे कलियां बनी हुई हैं। और ये देखिए मेरा टिकोमा, ये येलो कलर का टिकोमा है फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। और हाइबिस्कस जिसको मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, इसकी जड़ों को भी प्रून किया था मैंने, गमला चेंज किया था। और ये देखिए कितना हेल्दी ग्रोथ शुरू हो गया है इसमें और बहुत सारे फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत सुंदर। और इस तरह से मेरे गार्डन में ये सब फ्लावरिंग चल रहा है। और ये नर्सरी वाले ने टिकोमा कह के दिया है फ्रेंड्स, लेकिन इसके फूल मुझे मज़ेदार नहीं लग रहे हैं। ये देखिए ये दूसरी वैरायटी वाला टिकोमा है, थोड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं वो ज़्यादा अच्छा दिखता है फ्रेंड्स, लेकिन कोई बात नहीं, फ्लावरिंग कैसा भी रहे फूल प्लांट्स खूबसूरत ही दिखते हैं, ग्रीन लुक लिए हुए। ये सारे मेरे बिगोनिया बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये देखिए मॉस रोज़ कितना खूबसूरत, ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, 6-7 फ्लावर्स आज खिले हुए हैं और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। एक येलो कलर का भी है मेरे पास, जिसको मैंने ये प्लांटर में लगाया है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छे से नहीं हो पा रही है। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत खिला हुआ है। इधर पर्सलेन कटिंग लगाई थी मैंने, ये देखिए इसमें भी। और ये प्लांटर में येलो पर्सलेन बहुत ही सुंदर। और इधर मेरे एडेनियम फ्लावरिंग शुरू हो रही है अब, इसमें मैंने इसको प्रून किया था, इसके गमले को भी चेंज किया था। और एक ये गोरी चोरी, और इधर सारे फ्लावर्स। नाग चंपा को देखिए फ्रेंड्स कितना ऊपर चला गया है, बहुत ही ऊंचा हो गया है प्लांट। हिबिस्कस की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है फ्रेंड्स अब। और ये कनेर में भी देखिए फ्लावर्स लगे हुए हैं। और इधर ये लैंटाना, और यहाँ सारे ग्रो बैग में लगे हुए प्लांट्स हैं। ये मिर्ची का प्लांट्स देखिए, कितने सारे मिर्ची लगे हुए हैं इसमें, ब्लैक कलर की मिर्ची है और ये पॉली बैग में लगा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, कोचिया। ये चार ग्रो बैग में मैंने नर्सरी से लाए हुए प्लांट को लगा दिया था फ्रेंड्स। ये लगभग 20-25 दिन मैंने होली शॉपिंग में इसको लिया था,
लगभग ये 20-25 दिन हो गया है। बहुत छोटे बेबी प्लांट लेके आई थी मैं इसकी, और इसकी ग्रोथ देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत। और ये बिल्कुल गोल शेप में हो जाता है बॉल की तरह, बुशी बन जाता है। ये तो वैसे अपने आप ही बुशी लुक ले लेता है फ्रेंड्स, और यदि आप इसे पिंच करेंगे तो और ये बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। मैंने आज ही इसकी पिंचिंग की है, यहाँ से टिप को मैंने थोड़े थोड़े नाखून से ही कट कर दिया। इसको आप सीड से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर नर्सरी से इसके बेबी प्लांट ले आइए, 4-5 रुपए में मिल जाता है एक एक प्लांट। मैंने 4 प्लांट लिए थे नर्सरी से, जिसमें 2 प्लांट मुझे एक्स्ट्रा मिल गए हैं। मैंने उसको छोटे से प्लांट पॉली बैग में लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ उसको भी। मैं जब मेरे पास कोई पॉट खाली हो जाएगा फ्रेंड्स, तो मैं इसे भी रिपॉट कर दूंगी। ये एक्स्ट्रा लगा हुआ था, जब मैं 4 प्लांट लेके आई थी तो साथ में ये भी प्लांट एक लगा हुआ था, तो इसको मैंने सेपरेट कर दिया था अलग से। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा खाद की आवश्यकता इस प्लांट को नहीं होती। आप मिट्टी तैयार करते समय ही इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल के इसकी मिट्टी तैयार कर दें, वेल ड्रेन मिट्टी, और इसको लगा दें फ्रेंड्स। ये पूरे गर्मी गर्मी भर हमारे गार्डन को ग्रीन लुक देता है। जब हमारे गार्डन में फ्लावर्स कम कम हो जाते हैं, तो ये कोचिया का प्लांट हमारे गार्डन को बहुत सुंदर लुक देता है फ्रेंड्स। ये बहुत बुशी हो जाएगा, बहुत बड़े फुटबॉल की तरह ये दिखता है, और इसको ग्राउंड कवर करने के लिए भी लगाया जाता है। ज़मीन में यदि लगाएं तो ये क्यारी में लाइन से यदि लगाया जाए तो बहुत सुंदर लुक देता है ये। मैंने अपने ये पॉली बैग, जो प्लास्टिक की बैग होती है ग्रो बैग, उसमें मैंने लगाया हुआ है इसे, और ये आराम से बारिश तक चल जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, आप ज़रूर इसको अपने गार्डन में ऐड करिए। समय समय पर इसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। इसमें पाउडर तरह की एक इंसेक्ट का अटैक हो जाता है फ्रेंड्स, जो इसके पत्तों को ख़राब कर देता है, तो समय समय पर आप ज़रूर इंसेक्टिसाइड का अप्लाई करें इस प्लांट पर, ये आपके गार्डन को बहुत सुंदर लुक देगा। और ये फुल सनलाइट का प्लांट होता है, मई जून की तेज़ गर्मी में आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। मैंने अभी ग्रीन नेट नहीं लगाया हुआ है, मैं थोड़ी तेज़ गर्मी होगी और जब स्थिति सामान्य होगी फ्रेंड्स, तब मैं अपने छत पर ग्रीन नेट लगवा दूंगी। अभी तो मज़दूर भी नहीं मिल रहे हैं, हमें अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता है। मैंने अपनी काम वाली को भी मना कर दिया है, अभी नहीं आ रही है, वो भी तो सारा काम हमें फैमिली को ही करना पड़ रहा है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करती हूँ कि ईश्वर जल्द से जल्द इस मुसीबत से हमें राहत दे। और बस फ्रेंड्स, बस यही आप लोग के साथ आज शो करना था, शेयर करना था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, बाय।